युवक की जहर खाकर मौत, परिजनों ने लगाया मौत का आरोप। रामपुर के थाना पिलासपुर क्षेत्र के गांव पीपलिया गोपाल के मजरे निवासी संजीव की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। लड़की के परिजनों ने युवक की मौत का आरोप युवक के परिवार वालों पर लगाया है। खाना कौन सा लगता है? बिलासपुर। अच्छा, क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। ये शादी हुई थी हमारी बहन की अपनी उनके लड़के के मर्जी से, तो उनके मम्मी पापा कोई राजी नहीं थे, जबरदस्ती उनने शादी नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो उनके लड़के की मर्जी थी, घर वाले किसी की मर्जी नहीं थी, जबरदस्ती। जिस दिन से शादी हुई थी 27 फरवरी को, उसके दिन से ही कलेश कर रखा था घर में, और मारा, बहन को भी मारा और लड़के को भी मारा उनने, जबरदस्ती उनने जहर खिलाया था, उनने कुछ खा लिया जी नहीं पता क्या हुआ। लेकिन हमें जब सूचना मिली थी कि गांव वालों ने दी थी कि रुद्रपुर तबीयत खराब है, तो हम रुद्रपुर पहुंचे तो वहां तो हॉस्पिटल में ले आज चुके थे, मौत हो गई थी उनकी। अच्छा, जब हम वहां से आए बिलासपुर पता चला तो शमशान घाट ले गए, हमें सूचना भी नहीं थी। उसके बाद उसमें आग लगा दी, हम पुलिस को लेकर थाना पहुंचे शमशान, तो लाश आधी जल गई चुकी थी, आधी बस जल गई थी। अच्छा, क्या मांग कर रहे थे? मैं मांग कर रहे थे बुलेट गाड़ी 2 लाख रुपए, हमने छोटी गाड़ी दी थी स्प्लेंडर। अच्छा, जिसकी वजह से मतलब विवाद था, तो शादी में भी नहीं गए थे लड़के के? ना, लड़के के पापा शादी में भी नहीं गए। तो अभी यहाँ पीएम हाउस पर आए हैं आप? हाँ जी, तहरीर दे दी है पुलिस? हाँ, पुलिस को तहरीर दे दी। कितने समय पहले हुई थी शादी? 27 फरवरी 27 फरवरी 2019।